नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स शब्द आपको तंग कर सकता है, कंस्ट्रक्टिविज्म आपको तंग कर सकता है। कंस्ट्रक्टिविज्म को भूल के आप कोई भी यूजीसी नेट और सीटेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पर, अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर वर्ल्ड वाइड जो मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ है वो कंस्ट्रक्टिविज्म का है। क्यों? अच्छा, इसके यहाँ की पोस्टुलेट की बात हो रही है। सबसे पहले ये समझ ले कि पोस्टुलेट होते क्या हैं। पोस्टुलेट है कि जो आप एज्यूम करके चले हो कि यही सच होगा, इसके बेस पर ही सारा कुछ आगे होगा। और उसको, इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने निकाली है, पोस्टुलेट को एक्सियम भी बोला जा सकता है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, पोस्टुलेट की जगह पर एक्सियम भी शब्द आ सकता है, स्टेटमेंट भी आ सकता है। ये स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट, स्टेटमेंट, 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 एग्जाम्पल आपके सामने है। तो जो स्टेटमेंट वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मान के चल रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे है, जॉन डीवी है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ये मेन कंस्ट्रक्टिविस्ट है जिन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इन पर क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, आते रहेंगे, किसी भी वर्ल्ड के कोने में आप चले जाओ। अच्छा, इनको फिर हाइपोथेसिस इन एडवांस जो बनाए हैं वो भी बोल सकते हैं। अच्छा, पोस्टुलेट कभी टेस्ट नहीं किए जा सकते, सेल्फ एविडेंट होते हैं। सेल्फ एविडेंट, आगे जाके मैं एक सीन दिखाता हूँ, इसको पहले हम सिर्फ समझ लें कि इनमें वर्डिंग जो है उसकी हमारे समझ आए। सो पोस्टुलेट मीन कोई स्टेटमेंट है जो पहले से बनाई हुई है, उसको सत्य मान के चल रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें ये माना जाता है, जॉन डीवी, वाइगोत्स्की, अपना ब्रूनर और पियाजे के अनुसार, के जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके पास ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ओके, तो वो इससे इंटरेक्ट खुद करता है, खुद करके इस ऑब्जेक्ट या एनवायरनमेंट के बारे में मन में मीनिंग, मीनिंग आइडियाज, डेफिनेशन, कंसेप्ट, इन कंसेप्ट को कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, वो खुद बनाता है। ये कुछ भी जान लीजिए, जब भी कंस्ट्रक्ट आता है, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट मीन कोई डेफिनेशन, कोई आइडिया, किसी एक बॉल, फॉर एग्जांपल बॉल के बारे में, बल्ब के बारे में, फैन के बारे में, दीवार के बारे में, जो आइडियाज आपके अंदर पड़े हुए हैं, जो आपने खुद बनाए हैं, दीवार को, कई तरह की दीवार को देख के, कई तरह के बल्ब को देख के, ऐसा ऐसा बल्ब होता है, कई तरह के टेबल को देख के, वो आइडिया, वो आपके कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि कोई बाहर से टीचर, ऐसे टीचर, टीचर जिसके पास के मीन नॉलेज है, वो बाहर से उसके माइंड में नॉलेज पुट नहीं करता। हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, ये अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है, ट्रांसमिशन की अप्रोच है। ये जो खुद लर्नर ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके खुद अपनी नॉलेज आप बनाता है, सेल्फ मेकिंग नॉलेज, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये है। इनकी इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट हो सकती है। वो जब वाइगोत्स्की वर्सेस पियाजे समझोगे, जब वाइगोत्स्की को लाना है तो ये साथ में आ गए जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, बस सीधी नॉलेज नहीं दे रहे। आगे जाके हम एग्जाम्पल से पूरा इसको समझेंगे। अच्छा, तो ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म की इनमें से पोस्टुलेट कौन कौन सी है। पहले उनको समझ ले, इंडिविजुअल लर्नर एक्टिवली बिल्ड द नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक, इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ अ माइंड, इनके माइंड में ही नॉलेज पड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टिविज्म सब्जेक्टिव नेचर ऑफ नॉलेज में विश्वास रखते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक। बिहेवियरिज्म ऑब्जेक्टिविज्म में विश्वास रखता है, उसकी पोस्टुलेट्स इससे विरोधी होंगी। बिहेवियर ऑफ लर्नर मस्ट री इन्फोर्स टू इंश्योर, री इन्फोर्स का मतलब क्या है कि आप कोई रिवार्ड, जब भी आपके सामने री इन्फोर्स आए, आप टॉफी को याद कर लेना, री इन्फोर्स मीन
ट्रॉफी, शाबाश, स्माइल, आशीर्वाद, कुछ भी ऐसी चीज़ जो अच्छी आप किसी को देते हो कोई काम करने के लिए। जाओ मैं दुकान से ये ले आओ, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, मैं ट्रॉफी दूंगा, मैं शाबाश दूंगा, मैं हग करूंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। ये सब री इन्फोर्समेंट है, किसी काम करने के इवज में आप कुछ उसको प्लेजेंट देते हो। तो लास्ट है लर्निंग इज सोशली मीडिएटेड। सोशली मीन सोशल दखल होता है, ठीक, सोशल दखल होता है। वाइगोत्स्की ने सोशल दखल की बात की है सोशियो कल्चरल थ्योरी के। प्याजे जब एक लर्नर और ऑब्जेक्ट हैं, तो प्याजे जब एक लर्नर है, ऑब्जेक्ट है, साथ में ये भी इनके इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन ये भी करते हैं, नॉलेज नहीं देते लेकिन मोटिवेट करते हो सकते हैं, हिंट देते हो सकते हैं, इंडिकेशन देते हो सकते हैं। तो ये वाइगोत्स्की आ गया, यहाँ सोशली मेडिएट होगी। तो ये टीचर भी हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर, वाइगोत्स्की ने शब्द यूज़ किया है, इस पर भी एमसीक्यू आते हैं। ये आपका पीयर भी हो सकता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब एक सीन देखेंगे जो मैंने रिकॉर्ड कैप्चर किया हुआ है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म का है। तो आप ये देखिए कि उस सीन के बेस पर कौन सा, और इस इंफॉर्मेशन को साथ में क्लब करके खुद देखिए कि कौन सा पोस्टुलेट इसमें से सत्य होगा। ये दो लड़कियां हैं, मेरे ख्याल में 10 साल के करीब हैं, 10-11 साल के करीब। तो फ्री बैठी हुई हैं, मेरे पास ही वो सामान पड़ा था, तो वो उन्होंने खुद ही उठाया, खुद ही लग पड़ी। तो मैं सामने बैठा हुआ था, मैंने कैमरा उठा, उसको कैप्चर कर लिया। तो ये ध्यान से देखना, बातें भी कर रही हैं और एक दूसरे से नॉलेज शेयर भी कर रही हैं, एक दूसरे को फीडबैक भी दे रही हैं। अच्छा तुमने यहाँ से गलत ये रंग ऐसे कर दिया, अगर ऐसे करते तो ऐसे, अच्छा अच्छा तुम आइडिया भी शेयर कर रही हैं। अच्छा अब ये देखना कि ये, चलो पहले सीन देखते हैं, ये रहा सीन। वो ब्राउन कलर यहाँ पर कलर ही लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये पैसिव है, इससे यहाँ ग्रीन कर देते हैं जो हाँ। आपको लग रहा है कि इनको बाहर से री इन्फोर्समेंट की, रिवार्ड की, पनिशमेंट की जरूरत है, लगे हुए हैं, लर्न कर रहे हैं। अच्छा लगता है ट्री का कलर, अच्छा लगता है ये देख, ऐसे ऐसे कलर है ना, ग्रीन में और हम ऑरेंज कलर अम्ब्रेला में कर देते हैं गर्ल की, उसका जो अम्ब्रेला है कलरफुल कर देते हैं उसका अम्ब्रेला, वाटर कलरफुल से अच्छा लगेगा ना। फिश में कौन सा कलर, फिश में मुझे समझ नहीं आ रहा, फिश में रेड कलर कर देना, फिश में रेड कलर कर देंगे हम, रेड कलर क्योंकि जो फिश है उसका कलर अच्छा लगेगा डार्क से। अच्छा ये किसने सिखाया इतने अच्छे अच्छे कलर आपको करने? मुझे जसलीन ने सिखाया है। जसलीन आपने सिखाया? हाँ। तो आप इनके टीचर हो गए, वेरी। देखिए जानबूझकर मैंने क्वेश्चन किए कि ये किसने सिखाया, इस रेड कलर क्यों करना है, ऐसी बातें कर रहा हूँ। ऐसी बातें फैसिलिटेटर करता है वो जानने के लिए कि लर्नर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या कोई मिसकंसेप्शन चल रही है या राइट कंसेप्शन चल रही है, कोई एरर चल रही है जहाँ उसकी पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। देखो कि किसने सिखाया, उसके साथी ने, कोई टीचर नहीं है यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ऐसे लर्नर खुद एनवायरनमेंट से, यहाँ एनवायरनमेंट क्या है, पेंटिंग है, ब्रश लगे हुए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ में उसका साथी है, ओके, दूसरी लड़की है, वो आपस में बातें कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, कलर कौन सा करना है, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, फिश बनानी है, क्यों बनानी है, सारी डिस्कशन, ये शेयरिंग हो रही है, सोशली मेडिएशन हो गई, सोशल दखल हो गया। तो बाहर से कोई अथॉरिटी सोशल नहीं है कि टीचर ने ये कह दिया यही फिश बनानी है, ऐसी ही बनानी है, और नहीं बनानी रेड कलर ही फिल करना है, ये वाला नहीं करना, ऐसे डिक्टेशन नहीं है कुछ भी। वो खुद सोच रहे हैं, खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं, खुद शेयर कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और वो खुद मीनिंग बना रहे हैं
और खुद ड्राइंग बना रहे हैं, खुद उनका जो है कंस्ट्रक्ट जो है, कंसेप्ट जो है, इसकी डेफिनेशन आइडियाज़ है, मीनिंग है, वो खुद सब कुछ बना रहे हैं। अब आप पीछे जाके फिर देख सकते हो कि क्या कौन सी पोस्टुलेट कंस्ट्रक्टिविज्म की बेटर है। नंबर एक, लर्नर्स आर एक्टिवली बिल्डिंग नॉलेज एंड स्किल्स, ड्राइंग स्किल्स डेवलप हो रही है ना, ड्राइंग स्किल है, ड्रा कैसे करना है, कलर कैसे करना है, आपके सामने डायरेक्ट है। इसी एक एग्जांपल को याद रख के आप कंस्ट्रक्टिविज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इवन टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जांपल याद रखनी है। इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द माइंड, वो बोल दिया है कि कंस्ट्रक्टिविज्म यही समझता है, कोई टीचर नहीं है, उसके मम्मी पापा कोई भी नहीं है, मैं साथ में हूँ, सिर्फ बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पूछ रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, कुछ बिहेवियर और मैं कुछ कह रहा हूँ कि किसी ने कहा होगा कि आपको पनिशमेंट मिलेगी ऐसे करो, जहाँ ये रिवार्ड में खुद भी लगे हुए हैं, खुद ही लगे हुए हैं। तो बिहेवियरिज्म कह रहा है कि बाहर से री इन्फोर्स, जब भी री इन्फोर्स, एक बात याद रख लेना, री इन्फोर्समेंट स्किन्नर की थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है। स्किन्नर री इन्फोर्समेंट रिवार्ड, ये याद रखने हैं, बिहेवियरिज्म, ठीक। तो ये सीधा बिहेवियरिज्म बिल्कुल उल्टा है उसके बिहेवियरिज्म, एक दूसरे से इनकी सीधी टकराव है। तो लर्निंग इज सोशली मेडिएटेड, क्या एक बच्ची दूसरी बच्ची पहली बच्ची से सीख रही है, क्या टीचर जो रिकॉर्ड कर रहा है उसका कोई फ़ायदा है, हाँ उसने पूछा कि ये किसने सिखाया, ये इसने सिखाया, उसको खुद ही मज़ा आ गया, री इन्फोर्समेंट मिल गई या रिवार्ड मिल गया, बाहर से एक्सटर्नल रिवार्ड नहीं दिया। तो ये इसमें रेड कलर, मैंने पूछा रेड कलर क्यों फिल करना है, उससे ज़रा ये अच्छा होता है, वो बता रही है बच्ची, है ना, फिश कितनी बनाएंगे आगे जाके, मैं सारा कुछ पूछता हूँ, बड़ी 4-5 मिनट की वीडियो है। तो साफ है कि एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं, स्किल को बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट उसके माइंड में है, और सोशली मेडिटेटर है, और ये सिर्फ बिहेवियरिज्म में से उठाकर डाला है। ये रहा आपका ये क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में से बनाया गया है। थैंक यू।